इन दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आंगनबाड़ी बहनों, रसोई से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों लगभग आपका संविदा कर्मचारियों हमारे भाइयों का ये परिवार है 2 लाख तक पहुंचने वाला है। 1,90,000 हमारा परिवार हो चुका है। तो हम आपके लिए बिल्कुल जुनून खबरें लेके हाजिर होते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उसी को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर के हाजिर भी हो गए हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी जुड़ सकें, वो भी अच्छी और सच्ची खबरें प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और आप टेलीग्राम पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है संविदा नए नियम के लिए लेकर के, अब अस्पष्टता और कंफ्यूजन है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और हमारे संविदा कर्मचारियों को क्या फ़ायदा इससे मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। क्या संविदा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण, ट्रांसफ़र पॉलिसी से चेंज होने वाली है, तो सारी बड़ी खबरें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देख सकते हो, जैसे कि हेडिंग देख रहे हो, संविदा पर शोषण, नए संविदा नियमों को लेकर अस्पष्टता में से कन्फ्यूजन हो रहा है। सरकार ने संविदा के लिए जो नियम जारी किए हैं उन्हें युवाओं का सवाल उठा दिया है। अधिकांश संविदा कर्मचारी जो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं उन्हें शोषण कहा गया है। नए नियमों उन्हें भी हटाया जा सकता है। संविदा कर्मियों की नौकरी में भविष्य की चिंता बरकरार है। राज्य कर्मचारियों की तरह नियमित या ठोस कार्रवाई करने की मांग भी उठाई जा रही है। वर्ष 2018 में चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वायदा किया था कि उनकी सरकार आने पर समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन 4 वर्ष का करीब बीतने गया है, किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। जबकि संविदा के नए नियम बना दिए तो उन्हें लेकर भी अस्पष्टता स्थित है और संविदा कर्मचारियों के बीच इसे वायदा खिलाफी भी कहा जा रहा है। JTA, पैरा टीचर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक वाले भी सब परेशानी से हो रहे हैं। नए संविदा नियमों के अस्पष्टता प्रावधानों के खिलाफ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, पैरा टीचर, पंचायत सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक विरोध भी कर चुके हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों ने वर्ष 2013 में भर्ती निकली थी और राजस्थान में बिहार UP के अभ्यर्थी आ गए और भर्ती निरस्त कर दी गई। पंचायती राज विभाग में मेरिट के आधार पर संविदा पर JT रख दिया और करीब 12 वर्ष से तकनीकी सहायक 13,000 रुपये प्रतिमाह काम कर रहे हैं। ज्ञापन में अन्य राज्यों उदाहरण दिए जाए तो जहां नियम के अलग हैं लेकिन वेतन श्रृंखला में सभी लाभ परिलाभ सरकारी कर्मचारियों को समान दिए जा रहे हैं। तकनीकी सहायकों ने सरकार को अवगत भी कराया कि 2013 से 2186 पदों की JN भर्ती आज तक अटकी हुई है, मेरिट बेस पर भर्ती होनी थी, आज तक आगे नहीं बढ़ी है। पैरा टीचर का मामला भी लंबे समय से अटका हुआ है, लेकिन सहायक पंचायत सहायक और नर्सिंग और कर्मी भी इससे परेशानी भुगत रहे हैं। राजस्थान में सरकार के अधीन ऑटोनोमस बॉडीज में 50,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर ले रखा है, जबकि उनकी जगह नई भर्ती हो तो युवाओं को लिए रोजगार नए अवसर खुले हैं। हाउसिंग बोर्ड, टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट में भी रिटायर्ड संविदा कर्मचारी भरे हुए हैं और मामला संसद में उठ चुका है और आपका जो संविदा कर्मी है उनके वेतन की जगह मानदेय दिया जा रहा है और नियमित करने के बजाय नए संविदा नियम बनाकर प्रोजेक्ट के रूप में रोजगार देने का नया प्रारूप लागू भी कर दिया गया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, इसको लेकर के भी मांग है। संविदा कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए जो संविदा नियम बनाए गए हैं वो केवल नियम ही बना दिए गए हैं। स्पष्ट नहीं है कि संविदा कर्मियों को कैसे स्थायी किया जाएगा, जिससे उनकी नौकरी स्थायी रहेगी। उक्त नियमों के अंतर्गत संविदा कर्मियों को कभी भी देकर हटाया जा सकता है और इसका प्रावधान इसमें है। वेतन श्रृंखला तो भूल जाओ, नए नियम के संविदा कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है, जबकि संविदा कर्मियों को पद योग्यता के अनुसार नियमित कर्मचारी भारतीय वेतन श्रृंखला देने का प्रावधान की मांग भी की थी। वेतन बढ़ोतरी भी नहीं होगी, वो इससे बोला गया है कि उनका कहना है संविदा कर्मचारियों का कि उनका काम तो नियमित कर्मचारी भांति है, लेकिन संविदा कर्मचारी नियमित वेतन श्रृंखला देने पर नियमित कर्मचारियों की भांति प्रतिवर्ष वेतन की जाए। पेंशन से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नई संविदा नियमों को पेंशन या उसके मिलते जुलते लाभ परिलाभ पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं कि संविदा कर्मियों को किसी भी तरह की पेंशन की सुविधा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
तो आप देख सकते हो इलाज लाइलाज लीव इनकेसमेंट भी नहीं है, महंगाई भत्ता भी नहीं है और एचआरए का भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जिसे काफ़ी नाराज़गी संविदा कर्मचारियों में दिखाई दे रही है। तो आप बताइएगा कि आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी हो, आपकी क्या परेशानी है। तो ये इसी लेटर लिखा गया है सफदरगंज हॉस्पिटल नर्स यूनियन नई दिल्ली के द्वारा श्री अशोक जी मुख्यमंत्री राजस्थान कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों के संबंध में। उपरोक्त विषय में सभी विदित है कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में कोहराम बचाया गया था, महामारी में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से आपकी सरकार द्वारा किए गए जन स्वास्थ्य प्रबंधन की प्रशंसा हुई है। इसे स्वास्थ्य मॉडल के रूप में जाना जाता है और सरकार इस प्रबंध में विभिन्न संविदा कर्मचारियों का योगदान अतुल्य रहा है, जिसे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के समर्पित उल्लेखन है। किंतु संज्ञान में यह लाया गया कि राजस्थान सरकार के निर्देश इस कोविड सहायकों को सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है और सरकार के इस फैसले से विरुद्ध कोविड स्वास्थ्य सहायक आंदोलित भी है और सफदरगंज अस्पताल नर्सेस यूनियन नई दिल्ली राजस्थान सरकार के इस फैसले से असहमत भी है। इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध भी दर्ज करवा चुके हैं और इसमें बोला गया है कि अब कहाँ भटकते रहेंगे, इतने दिन उनसे ड्यूटी करवा करके राजस्थान की गहलोत सरकार को कर्मचारी मामलों में हमेशा ही संवेदनशीलता माना जाता है और इसमें विशेषकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात हो राजस्थान गहलोत सरकार पूरे देश में अग्रणी है। आदरणीय आपसे निवेदन है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की दर्द को महसूस किया जाए, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक और न्यूचित फैसला भी किया जाए। जनरल सेक्रेटरी के द्वारा इनके द्वारा लेटर ये लिखा गया। तो ये थी आज की लेटेस्ट वीडियो, बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जवाहर।